अरे भाई, आज यहाँ शादी होगी भी कि नहीं? नहीं होगी शादी। चलिए बंद कीजिए सब, कोई शादी वादी नहीं होगी। मैं अकेला हूँ, हमेशा अकेला रहा हूँ और अकेला ही रहूंगा। चलिए कोई शादी। तैयार है पंडित जी। आप विधि की शुरुआत करो जी। दोनों सही वक्त पे, सही मुहूर्त पे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आ जाएंगे। Let's go. ये छोरा, रुक जा, रुक जा। आज थारी माँ ने इतना बड़ा फैसला लिया अपने लिए, उसकी खुशी में शामिल हो जा। तू जाने इसका श्रेय, आज के दिन का श्रेय मैं थारे को दूँ। तूने अपनी माँ को इतनी तकलीफ ना दी होती, उसका बांध ना टूटता, तो कदे अपने लिए अपनी खुशी का फैसला ना ले पाती। आज इतनी मजबूती से थारी माँ खड़ी है ना, इसका श्रेय मैं थारे को दूँ। छोरा, आज एक छेटा भर की तरह अपनी माँ की खुशियों में शामिल हो जा। प्रार्थना कर ले उसकी खुशियों के लिए। गजाननम भूत गणात से वितंग पित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यजमान, गठबंधन कौन करेगा? शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। मैं करूंगा। We'll be right back.
कन्यादान कौन करेगा? उसका तो अजब गजब रिश्ता है। पहले हम समझने थे, फिर सहेलियां बड़ी। अब मैं इसकी बहन बनके इसका कन्यादान मैं करूंगी। चिड़िकली हरा कन्यादान भी मैं करूंगी। अब वधू के मांग में सिंदूर भरिए। राम जेरी गोरी खुशियां और प्यार सों भरी रह जोड़ी। जाने अनजाने में अगर मेरी वजह से आपको कोई चोट पहुंची हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। आप जानती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए।
स्वस्ति न पूषा विश्व वेदः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठिनेमिव स्वस्ति नो बृहस्पति ब्रह्मातु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशावः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठिनेमिव अंतिम के तीन फेरों में वधू आगे चलेगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि लाया था को बहुत प्यार करी है ऐसा प्यार नहीं प्यार नहीं उनके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है कुसुम लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ है मैंने उनके दिल में दर्द देखा है लेकिन वो तो बहुत अच्छे इंसान है बहुत अच्छे पता है वो क्या कह रहे थे वो कह रहे थे कि अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मैं अपने आप को संभाल लूंगा लेकिन जितना मैं उन्हें समझ रही थी मैंने देखा कि वो एक बच्चे की तरह डरे हुए हैं शायद अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि इस बार वो कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे
जो वो सोच रहे हैं कि नहीं होगा, मैं जानती हूँ कि होगा। ना वो अपने परिवार का सामना कर पाएंगे, ना लोगों की, ना नंदिनी के मजाक उड़ते बातों की, और ना ही अपने टूटे हुए दिल की। वो 17 साल के धोखे से बाहर आ ही नहीं पाए कुसुम। इस वक्त अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई और उनका साथ नहीं दिया तो वो नंदिनी से हार जाएंगे और टूटकर बिखर जाएंगे। तो काय करेगी तू? साथ दूंगी उनका। जो पार्टनरशिप शादी मुबारक से शुरू हुई थी वो मेरी और उनकी जिंदगी में भी रहेगी। प्रीति, लेकिन प्यार बिना रिश्ता कैसे चलेगा? प्यार क्या होता है ये तो मैं कब का भूल चुकी हूँ कुसुम। अगर मेरी जिंदगी में कुछ कमी थी तो वो थी इज्जत की, जो मुझे जिंदगी में किसी मर्द से मिली नहीं। जो भी इज्जत मिली ना मुझे, वो केटी जी से मिली। हर वक्त वो मेरे साथ खड़े रहते थे, हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया है। तब जब मैं अपने आप को तलाशने निकली थी और तब भी जब मैं अपने आप को कमजोर समझती थी, उन्होंने मुझे इज्जत दी और ये भी सिखाया कि अपने आप की इज्जत कैसे करो। जब जब मेरा आत्मविश्वास हिला वो हमेशा मेरे साथ रहे कुसुम। एक चट्टान की तरह मेरे आगे मेरे पीछे हर वक्त मेरे साथ खड़े रहे। जब मेरे चरित्र पर उंगली उठी थी तब भी तो केटी जी वहां पर थे। जिस इंसान ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया है, जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहा, आज उसकी जरूरत के वक्त मैं उसे छोड़ कैसे दूं? उसे हारने कैसे दूं? मैं जानती हूं कुसुम, वो बहुत टूट चुके हैं और अगर आज मैंने उन्हें छोड़ दिया ना तो वो बिखर जाएंगे और फिर कभी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं उनसे शादी करूंगी, साथ दूंगी उनका। तुम ही कहती थी ना कि अगर कोई केटी जी का घाव भर सकता है तो वो हूं मैं। तो आज से, अभी से मेरी यही कोशिश रहेगी। मैं जानती हूँ केटी जी कि हमारे रिश्ते में प्यार नहीं है, लेकिन इज्जत तो भरपूर है एक दूसरे के लिए। जो इज्जत आपने मुझे और हमारे रिश्ते को दी है ना, मैं उसे टूटने दूंगी और ना ही आपके दिल को। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। विवाह की विधि संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी के पवित्र बंधन में बंध चुके हो।
आपकी जोड़ी ईश्वर बनाए रखे हैं। आज से आपकी खुशी में मेरी खुशी भी है केटी जी। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।